बारिश के मौसम में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए आपको इन दो चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। बारिश के मौसम में ज़्यादातर बीमारियां पानी के कारण ही फैलती हैं, इसलिए आपको पानी को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है और जब पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसे आपको बच्चे को पिलाना है। दूसरी चीज़ है, बारिश के मौसम में बहुत से इन्फेक्शंस हो जाते हैं बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौसम ठंडा है इसलिए आपको बच्चे को नहलाना नहीं है। हल्के गुनगुने पानी से आप बच्चों को ज़रूर नहलाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में बच्चों को पसीना भी आता है, तो अगर आप ऐसे में बच्चों को नहीं नहलाती है तो बच्चे को इससे रैशेस हो सकते हैं या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन या फिर एलर्जी हो सकती है। बच्चों को साफ और अच्छे से सूखे हुए कपड़े आपको पहनाने चाहिए। कई बार पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं कि कपड़ों में थोड़ी सी नमी रह जाती है और वही वो कपड़े बच्चों को पहना देते हैं, और ऐसा करने से बच्चे को एलर्जी या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो ऐसा ना करें। अगर धूप नहीं निकल रही है तो आप कपड़ों को हल्का सा प्रेस कर ले, या फिर अगर धूप निकल रही है तो धूप में सुखा कर ही बच्चों को कपड़े पहनाएं। क्या आपको बारिश का मौसम पसंद है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।